तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछली वीडियो हम लोगों ने की थी यानी लेक्चर नंबर 18, तो उसमें हम लोगों ने जर्नल चैप्टर अपना ख़त्म किया था। और आज इस वीडियो नंबर 19 में, लेक्चर नंबर 19 में हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लेजर। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर वो है लेजर। अब लेजर क्या चीज है? तो आप लोगों ने जर्नल पढ़ा था, और जर्नल से भी ज्यादा जरूरी चीज आप लोगों ने अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी है। और अकाउंट्स की डेफिनेशन में सबसे पहली चीज आपने पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है किस चीज की? किसी भी चीज को, किसी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्या करने की? रिकॉर्ड करने की। तो आप लोगों ने सीखा था कि रिकॉर्डिंग जो होती है वो कहाँ होती है? जर्नल में। जर्नल में हम क्या करते हैं? कुछ खातों को डेबिट करते हैं, कुछ खातों को क्रेडिट करते हैं, और इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो अब जिन खातों को यहां पे आपने जर्नल में डेबिट क्रेडिट किया है, उन खातों का सेपरेट खाता, हर एक खाते का सेपरेट खाता आपका लेजर में बनता है। तो लेजर जो होता है वो आपका सेकंड स्टेज है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस की। रिकॉर्डिंग के बाद जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है क्लासिफाइंग। तो लेजर में आप क्या करते हैं? क्लासिफाइंग। ठीक है, और किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करते हैं? जर्नल में जो अकाउंट्स आपने डेबिट क्रेडिट किए हैं उनका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करके। ठीक, समझ में आया करना क्या है? तो अब बात की जाए तो हमें सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है जर्नल लेजर में, हर एक अकाउंट के लिए जो आपने जर्नल में डेबिट क्रेडिट किया है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। ठीक, तो ये जो जर्नल बना हुआ है, इस जर्नल से ही हम लेजर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। इस जर्नल में देखिए सबसे पहले कौन सा ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपने जो बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लगाई है बैंक के फॉर्म में, यानी चेक वगैरह लगाया होगा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक के थ्रू पेमेंट ली होगी, तो बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। तो लेजर क्या कहता है कि जर्नल में जो भी खाते डेबिट क्रेडिट किए हैं उनका सेपरेट अकाउंट यहाँ पे लेजर में खोलो आके, ताकि एक कैटेगरी के सारे ट्रांजेक्शन आपको एक ही खाते में मिल जाए। ठीक, तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है उसमें दो खाते हैं आपके, बैंक और कैपिटल। तो हम सबसे पहले बैंक का खाता खोलते हैं, उसके बाद कैपिटल का बनाएंगे। तो ये जो बैंक अकाउंट है इसका खाता खोलते हैं। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या करेंगे, यहां ऊपर हेडिंग देते हैं बैंक अकाउंट, और इसके फॉर्मेट क्या होंगे, यहां एक लाइन खींच लीजिए और फिर एक लाइन ये, उसके बाद ये एक लाइन, उसके बाद ये एक लाइन, ये अगली लाइन,
और ये लास्ट लाइन, उसके बाद ये ज्वाइन कर देते हैं। ये जो सबसे पहला कॉलम होता है इसमें आप डेट या फिर सीरियल नंबर देते हैं, लिखते हैं। अब डेट लिखना है कि सीरियल नंबर लिखना है वो आपको जर्नल देख के समझना पड़ेगा। इस जर्नल में डेट नहीं लिखी है, सीरियल नंबर लिखा है, तो आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सीरियल नंबर। उसके बाद ये जो सेकेंड कॉलम है इसमें आप लिखते हैं पर्टिकुलर्स। उसके बाद ये जो कॉलम है इसमें आप लिखते हैं जर्नल फोलियो, ठीक है। जर्नल जब आप बनाते थे तो उसमें आप लेजर फोलियो का कॉलम बनाते थे, तो अब जब एक लेजर बना रहे हैं आप तो उसमें कोई कॉलम बनाना पड़ेगा जर्नल फोलियो। खैर उसमें भी कोई एंट्री नहीं की जाती थी, इसमें भी कोई एंट्री नहीं होगी। और फिर ये अमाउंट यानी रुपीज का कॉलम, और ये सारी चीजें फिर से इस तरफ भी रिपीट कर दीजिए। ये है सीरियल नंबर, ये है पर्टिकुलर्स, ये है जर्नल फोलियो, और ये है अमाउंट यानी रुपीस, ठीक है। तो अब ये जो अकाउंट की ये वाली साइड से लेकर ये वाली साइड तक की जो पोजीशन है, यानी ये वाले सीरियल नंबर से ये वाले रुपीस तक का जो पोर्शन है, ये होता है किसी भी अकाउंट का, सेकंड, ये होता है उसका डेबिट साइड, ठीक है। और फिर इस सीरियल नंबर से इस वाले रुपीस तक का जो पोर्शन है ये होता है अकाउंट का क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब जर्नल में जहां जहां भी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है वो उसके इस साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जहां जहां भी बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो इसके इस साइड पर रिकॉर्ड होगा। क्योंकि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त हम एक रूल फॉलो करते हैं, वो रूल ये है, जगह मेरी नाम सामने वाले का, ठीक है। जगह मेरी नाम सामने वाले का, हम ये रूल फॉलो करते हैं। तो बैंक अकाउंट जहां जहां भी डेबिट हुआ है तो जगह उसकी होनी चाहिए ना, तो उसके लेजर को आप वहां वहां पे डेबिट करेंगे, और जहां जहां पे वो क्रेडिट हुआ है वहां वहां पे उसको क्रेडिट करेंगे। बट ये क्या बात हुई नाम सामने वाले का, तो वो चीज अभी हम समझेंगे। चलो उसके लिए पहले जर्नल देखते हैं। एक सेकंड बस, कर्सर कहाँ गया, ये रहा। तो ये देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट है और आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपका ट्रांजैक्शन है ना। तो बैंक क्या है, डेबिट है, तो जगह मेरी यानी बैंक को आपको लेजर में भी डेबिट साइड ही लिखना होगा, ठीक है। आप जगह उसके नहीं चेंज कर सकते, तो उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से, 4 लाख रुपए से इसको यहां रिकॉर्ड करते हैं नंबर वन, 4 लाख, ठीक है। आप इसको एल नहीं लिख सकते, आपको पूरा जीरोस के साथ सही से लिखना होगा। मैं इसको लिख नहीं सकता क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए मैं 4 लाख वैसे नहीं लिख सकता, लेकिन आप उसको प्रॉपरली लिखिएगा। और अब जो दूसरी बात थी जगह मेरी वाली, तो आपने डील कर ली कि बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट पे पोस्टिंग कर दी जाके। अब नाम क्या होता है, सामने वाले का हमें लिखना होता है। तो सामने वाला कौन है, डेबिट वाले के लिए सामने वाला क्रेडिट वाला होता है, और क्रेडिट वाले के लिए सामने वाला डेबिट वाला होता है। तो बैंक के लिए सामने वाला कौन हुआ, कैपिटल अकाउंट,
तो हम साम नाम किसका लिखेंगे वहां पे पर्टिकुलर्स में, कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। अब किसी भी चीज को टू डेबिट साइड पे लिखने से पहले हम उससे पहले लगा देते हैं टू, तो टू कैपिटल अकाउंट। और किसी भी चीज को क्रेडिट साइड पे पोस्ट करने से पहले हम उससे पहले लगा देते हैं बाय। ठीक है, चलिए ये तो पोस्ट हो गया। अब अगला ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर टू में भी बैंक अकाउंट है। इसमें क्या है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है 2000 रुपए से, तो 2000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। बट इस बार बैंक अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड पे है। ठीक है, कहां पे है, क्रेडिट साइड पे है। और उसके लिए सामने वाला कौन है, डेबिट साइड वाला, यानी डेबिट साइड पे कौन है, कैश अकाउंट। तो नाम किसका लिखा जाएगा, कैश अकाउंट का। तो पोस्टिंग क्या होगी, अच्छा पोस्टिंग, पोस्टिंग मैं कह रहा हूं, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। तो बाय कैश अकाउंट कितने से, 2000। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन में भी आपका बैंक अकाउंट है। ठीक है, और वो भी क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी 15000 रुपए से। और नाम किसका होगा, सामने वाले का, जो कि है परचेज अकाउंट। तो पोस्टिंग आप कैसे करेंगे, थ्री नंबर, ठीक बाय परचेजेस अकाउंट। रुपीस कितनी थी, 15। नेक्स्ट नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट पे है, तो डेबिट पे पोस्टिंग करेंगे। और नाम किसका होगा, सामने वाले का, यानी सेल्स अकाउंट का। चलिए फोर, सोलह हजार। अब पांचवा देखिए, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, और सामने वाला है फर्नीचर अकाउंट, 2500 रुपए। तो इसकी पोस्टिंग क्या करेंगे, बाय फर्नीचर अब देखिए सिक्स नंबर वाले में बैंक अकाउंट नहीं है, तो सिक्स को हम इग्नोर करते हैं अभी। सेवेंथ में नहीं है, उसको भी इग्नोर करते हैं। एट्थ में भी नहीं है, तो उसको भी इग्नोर करते हैं। नाइन्थ में है, नाइन्थ में डेबिट साइड पे है, 2300 रुपए। और सामने वाला कौन है, सामने वाला डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, डेबिट वाले के लिए सामने वाला क्रेडिट वाला होता है। तो क्रेडिट साइड पे कौन है, अरविंद। ठीक है, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे 2300 से, और सामने वाले कौन है, अरविंद है, तो नाम अरविंद का लिखा जाएगा। तो नाइन्थ नंबर ट्रांजेक्शन को यहां रिकॉर्ड करते हैं, टू अरविंद 2300 से। इसके बाद नेक्स्ट, टेंथ में बैंक नहीं है, 11वां में भी बैंक नहीं है, 12वें में बैंक है। ठीक है, और 12वें में बैंक क्रेडिट साइड पे है 110 रुपए से। और सामने वाला कौन है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस लिखा जाएगा। बाय टेलीफोन
एक्सपेंसेस अकाउंट 110। बैंक 13 वाले में क्या है, बैंक क्रेडिट है 9450 से, और सामने वाला कौन है, अमृत। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, 13 बाय अमृत 9450। इसके बाद 14 नंबर देखते हैं क्या है। 14 नंबर में बैंक क्रेडिट हुआ है 7200 से, और बैंक के सामने तीन अकाउंट्स हैं, क्योंकि बैंक क्रेडिट पे है, तो बैंक के लिए सामने वाला कौन हुआ, डेबिट वाले, और डेबिट पे तो तीन अकाउंट्स हैं, तो किसका नाम लिखा जाए तीनों में से। तीनों का नाम लिखा जाएगा, स्टेशनरी का 200 रुपए से, रेंट का 5000 रुपए से, और सैलरी का 2000 रुपए से। तो 14th वाले को रिकॉर्ड करते हैं। फोर्टीन बाय स्टेशनरी अकाउंट 200 बाय रेंट अकाउंट, और आखिरी वाला क्या था, बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, रेंट कितने से था, 5 से था, रेंट 5 से है, सैलरी 2 से है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेंट है आपका 5 से, सैलरी है 2 से। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, अब आपने सारे बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए लेजर में, बैंक के लेजर में। तो ठीक है, अब आप वापस ऊपर आइए। बैंक के सारे ट्रांजैक्शन उसके खाते में रिकॉर्ड करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से कैपिटल का खाता बनाएंगे। बैंक और कैपिटल होने के बाद आप दूसरे नंबर पे जाएंगे जहां पे कैश का खाता बना हुआ है, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वहां पे आप फिर जाके कैश के खाते बनाएंगे और कैश के सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे उसके खाते में। उसके बाद अगला नंबर आता है बैंक का, तो बैंक का तो खाता आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो दोबारा उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे करते करते आपको आपने जितनी भी जर्नल एंट्रीज की हैं, उसमें जितने भी खाते डेबिट क्रेडिट किए, सबका सेपरेट खाता आपको लेजर में खोलना है इसी तरीके से। ठीक है, और सारे खाते खोलने के बाद उन खातों की बैलेंसिंग की जाती है। अब ये बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।